नीरफॉल व्यू देखो यार, मेरी बहुत सडक्टिव वॉइस हो जाती है ना, मतलब ऐसे व्यू देख के हो जाता है यार, मैं मतलब क्या करें, नेचर सड्यूस कर देता है मुझे बहुत बुरी तरीके से। अमेजिंग देखने से अच्छा अगर व्यू देखना पसंद करोगे तुम लोग को व्यू दिखा दो यार। बड़ी चढ़ाई, भैंस क्या चढ़ाई कर करके हमारे कुत्ते फेल हो गए, बट कोई ना, ऑन दी वे यार। ये व्यू, ये दुनिया, मैं क्या ही शक्ल दिखाऊं इसके सामने, बताओ इस खूबसूरती के सामने मेरे को शक्ल दिखाने की जरूरत है? तुम यही देखो बस यार, आप लोग पानी देख रहे हो भाई साहब, ट्रैक कर करके ना फट चुकी है बुरी तरह, बट फिर भी तुम्हारा पैरेलल बॉक्स झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा ना, हालत देख रहे हो तुम पसीने में कैसी होगी है, और फिर भी स्टिल झुकेगा नहीं। अल्टीमेट मजे है, देखो इग्नोर करना क्लोज नहीं है बट सीरियसली बहुत मजे आ रहे हैं यार भाई। अच्छा ये बताओ इतनी दूर आने में आपको वसूल लगा नहीं लगा? बिल्कुल बिल्कुल फुल पैसा वसूल है भाई, मतलब रिव्यू बताओ सीरियसली, मतलब थोड़ा थक गए थे ट्रैकिंग और ड्राइव करने, बट भाई इतनी दूर आके ना अल्टीमेटली मजे यार, देखो ना तो ऊपर का व्यू, पहाड़ों के लिए तो पागल हो जाता हूँ मैं। सो फाइनली यार नहा के, मतलब मेरा ऋषिकेश का ट्रिप जितना वाहियात था ना, मतलब हो गया था सिचुएशन के हिसाब से उतना ही बेस्ट हो चुका है, और मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना तो अल्टीमेट है यार यहाँ का सब चीज़, मतलब पैसा वसूल है भाई, पैसा वसूल है यहाँ ना, मतलब नहा ना के तो मैं देख रहा गोरा हो गया, पर मैं अल्टीमेट है यार फील, देखो तुम यार देखो व्यू। सो भाई अपन वापस घर जा रहे हैं, तो घर के देखते अभी नीरफॉल से तो निकलते हैं, आगे जाके देखते हैं क्या प्लान होता है, बट अभी यहाँ से, और मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ ना, कोई नहीं। बाकी लोग कह रहे होंगे कि यार बार बार ऋषिकेश का ब्लॉग डालता है, तो यार बताए देखो ऋषिकेश ही दिल्ली के आसपास, मतलब हरियाणा कह सकते हैं, एकमात्र ऐसी जगह है यहाँ बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती है, बहुत कम पैसों में, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कम पैसों में इन्जॉयमेंट के लिए ऋषिकेश से बेस्ट शायद कोई नहीं है, अगर आपको माउंटेन्स वगैरह में जाना है तो बाकी देख सकते हैं। तो भाई उतरते हुए अपनी सफ़र की तरफ, और कुछ ऐसा है यहाँ का रास्ता, देखो यहाँ वाला इन्जॉयमेंट चला लोगों का, और भाई ये रास्ता है ना यहाँ पर आने के लिए तुम्हें ये तो सफ़र करना ही पड़ेगा, मतलब यार कच्चा रास्ता है, कुछ है भी नहीं यहाँ पर, और पहाड़ों में खाने के लिए तो, और जो 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 पहाड़ों में है उनको पता है खाने के लिए तो बस एक ही चीज़ है मैगी, उसके अलावा कुछ। ये भाई ऋषिकेश की मार्केट में घूम रहे हैं, इतने फालतू हो गए साले ना, ड्राइवर को मार रहे हैं, इनको यूँ नहीं घर छोड़ने में भाई पागल हो चुका हूँ मैं, और गाड़ी चलाना मेरे बस की तो है नहीं अब। डाल रहे हैं
गूगल पिक्सल का प्रमोशन मत करो भाई, यहाँ पे आए इन लोग को लक्ष्मण झूला देखना था, और पता नहीं यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन ही एक्चुअली डैमेज हो चुका था कुछ दिन पहले, इसलिए बंद कर रखा है अभी। तो अभी यहाँ पे आए तो बंद पड़ा, आना जाना बंद। आए तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ थे, बट अभी ये देख लो यार, मतलब बंद पड़ा है। किस्मत ही खराब है हम लोग की। बाकी रात का देखो क्या ब्यूटीफुल व्यू होता है, अपना सामने देखो मंदिर। यार मतलब अल्टीमेट में देखो लेटा का हूँ, मतलब लिटरली बहुत सुकून मिल रहा है यार, ऐसा लग रहा है सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, बट बहुत अमेजिंग फील आ रहा है यहाँ पे सच में। एक बार आओगे तो ट्राई करना। हाँ ये अपना ना मतलब लक्ष्मण झूला आते हैं ना तो उसके जस्ट लेफ्ट में रास्ता करता है वो कैंप पर, बहुत ऑसम है यार। रात को ना कुछ इतना हसीन दिखता है, एक बजे का समय और हम ऋषिकेश की रोडों पर घूम रहे हैं। मतलब मेरे को नहीं लगता कि शायद ही किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा, तुमको दिखाता हूँ यार। ये ऋषिकेश की रोड है, ऐसा शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया होगा किसी ने, देख लो यार रात को ज़्यादा हसीन लगता है। ट्रिप तो खत्म हो गई, और ट्रिप खत्म होने से पहले ना ये होटल में बैठ के हमारे अकाउंटेंट साहब हिसाब करते करते पागल हो गए इनका भाई इनका अकाउंट फेल हो गया जैसे कि यार तुम शक्ल देख ही रहे हो 12 बजे पड़े, पर कोई बात नहीं, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे ना बहुत गजब की चीज़ें मिली। तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं सोचा वीडियो बनाया। जहाज फंसा था ना वही जहाज है भैया, गांव में जहाज गया, बंदों की अमीरी देख रहे हो तुम, बहुत ही अमीर लोग हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो सड़क के यहाँ तो जहाज खड़ा कर रखा अगले ने। हमारी धन्नो हो चुकी है थोड़ी बहुत सही, अब तो परफेक्ट हो गई, परफेक्ट हो गई, बस थोड़ा बहुत काम बचा है इसमें। वही नो क्लेम बोनस वाला बताओ सीन क्या था, वो इंश्योरेंस से कराने का नो क्लेम बोनस वाला, ये समझिए समझाया, हमने वहाँ से क्यों नहीं कराया।